ये है हमारा कॉमन मैन। लोग इनको कहते क्या हवाई जहाज उड़ा करो, क्योंकि जो आदमी मजाक उड़ा सकता है वो कुछ भी उड़ा सकता है। ये है मनीष, प्रॉब्लम तो ये है कि इनको लोग कुछ कहते ही नहीं। पूजा के लिए दूध लाना है। जल्दी चलो फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या। भाई एक लीटर दूध दीजिए। दूध तो मेरे यहाँ खत्म हो चुका है। हाँ याद आया, संजीवन की हाँ मिल सकता है आप। धन्यवाद। अरे डोर तो बंद है। लगता है डोर अंदर से बंद है। तू तोड़ दे इसका खिड़की में, तोड़ दे इसका डोर। अरे जल्दी पानी लेके। जीवन जीवन उठ जा मेरे भाई। आप सुसाइड क्यों कर रहे थे? यार मैं बीए में फेल हो गया था तो मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा था। जा यार तू जाके सुसाइड कर ले। हाँ हाँ कर ले, लेकिन उससे पहले हमारी कहानी सुन। अगर उसके बाद भी तुम्हारा इरादा नहीं बदला ना तो हम दोनों भी तुम्हारे सुसाइड करने में हेल्प करेंगे। 15 साल पहले मुझे याद है जब मैं होटल में काम करता था। क्या काम करता है भाई, अमीर होते जा रहा है। अरे मैं बड़े बड़े आदमी का कार चलाता हूँ। अरे मेरे सामने बैठ के उगा देते, जैसे लेके आ। तरक्की करने देंगे तभी ना सर, आप तो हमारे कुर्सी पे हमें ही बैठने नहीं दे रहे। जिस आज से तुम मुझे मारे ना उसी आज से तू मुझे सैल्यूट मारेगा। तो किताब के लिए पैसे जमा किया था, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगा मगर पढ़ूंगा जरूर। क्लास में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, खड़ा हो जाओ। अच्छा तू मान लिया कि तू सबसे बड़ा बेवकूफ है? नहीं सर, आप पकेले कड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहे थे। शर्मा ताई बैठ। बड़ा होके तुम लोग क्या क्या बनना चाहते हो? सर मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। सर मैं डॉक्टर बनूंगा। सर मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊंगा जिससे लोग दीवार के आर पार देख सकते हैं। वो डिवाइस का नाम क्या है? खिड़की। दीवार का खिड़की नहीं सर, सबमरीन का खिड़की।
रमेन की खिड़की कोई भी नहीं बना पाया, ये बना लेगा क्या? जा पहले तू अपना घर का खिड़की बना। दस साल बाद 2016 8 नवंबर सुबह के 10 बजे। क्या रे सब्जेक्ट बदल गया? अरे वो छोड़, सोनू को समरिन की कंपनी में नौकरी मिल गई, उसका सैलरी 80,000 है, अपने पैसे से घर भी बना लिया। फिर भी हमारे साथ ही पढ़ता है। अजीत कुमार। यस सर। मनीष कुमार। मनीष कुमार। यस सर। मोरनी। प्रीत कुमार। सोनू कुमार। सोनू। यस सर। आ गया छोटा सर। क्या सोनू अकेले क्यों आते हो, सबके साथ क्यों नहीं आते हो, आज फिर लेट हो गए तुम। झुंड में तो गिदर आते हैं, शेर अकेला आता है सर। मुझे ना मोनी से प्यार हो गया। जाके कह दे, देख चलिए। पहली नजर में लगा कि वो मेरी है, प्रपोज करने के बाद पता चला है कि वो मेरी है। अरे यार हुआ क्या? मैंने उसे आई लव यू कहा, उसने कहा कि कल ही मैंने नई चप्पल खरीदी है। वे छोटा सा इधर आ रे। सुना है कि तुम कमाने वमाने लगे हो, घर भी बना लिया है अच्छा खासा, अब तो शादी भी करोगे। अगर शादी करोगे तो 20 से पहला की समय ही दिलाना। दिलवाएंगे लेकिन मेरा एक शर्त। हर एक शर्त मंजूर है तुम्हारा, लेकिन किस जरूर दिलवाना। ठीक है लेकिन शादी मैं तुम्हारी बहन से करूँगा। यार तू डरा नहीं? जो डरते नहीं वो मर के भी मरते नहीं। क्या जवाब दिया यार। हाँ जब सीधी उंगली से घीना निकले ना तो घी को गर्म कर लेना, हर बात पे उंगली करना जरूरी नहीं। वो सब तेरे को तो मच्छर काटने से मलेरिया हो गया था ना, अब डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं यार कल जाऊंगा, आज थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है। उसी दिन रात के 8 बजे मालिक आप तो बार बार जीत जाते हो, क्या करेंगे जीतने की आदत सी हो गई है। रामू का जाइए पहले इनके लिए पानी लेकर आइए, बैठिए जी भाई। अरे यार हुआ क्या? यार मैं सो रहा था तो बहुत सारे मच्छर एक ही साथ काट लिए। तू जा खुजा और सो जा, रजनीकांत तो है नहीं कि मच्छर को पकड़ के सॉरी बुलवाएगा। यार मुझे डर लग रहा है। मालिक ये तो मेरा बिस्तर है। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरे रूम का चाबी, मेरे रूम में सो जाइए, मैं इनके साथ ही सो जाता हूँ। अरे यार ये तो बड़ा कमीना मच्छर है, मुझे लैंटर्न लेके ढूंढना है। अरे वो जुगनू चल सो जा, रात में डिस्टर्ब करता। 2016 9 नवंबर सुबह के 6 बजे। और दोस्त आज का नया खबर क्या है? अरे यार पुराना नोट तो बंद हो चुका है, नया नोट निकालने चलना है। पहले ही रामलाल को भेज चुका हूँ एटीएम के पास सुबह के 9 बजे। बेटा जरा मेरा बैलेंस चेक करना।
फिलहाल आपका बैलेंस खराब है। लव यू टू। कल एटीएम के पास मोनी मिली थी, कुछ बोली? आई लव यू टू बोल के चले गए। पता नहीं साला वो दूसरा कमीना कौन है। अरे आपने आई लव यू बोला था ना, उसका दूसरा जवाब आई लव यू टू। क्या बात कर रहा है, आज मोनी से किस मांगता हूँ? नहीं, इतना जल्दी किस मांगना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो रास्ता जितनी जल्दी जाती है ना, वापस आते खुद भी इतना ही जल्दी आती। रिश्तेदार जैसा बात मत कर। आया बड़ा समझाने वाला। किस दियो ना? मोरनी सर, सर किसने किया? उसने किया, मैं बस उससे बदला ले रही थी। ठीक है, एक बात तुम्हारा पेरेंट्स को बोल के आता हूँ। मोरनी की शादी दिल्ली में कर देगी। मोरनी भी हर लड़की की तरह शादी के खिलाफ नहीं बोली। सबकी जिंदगी में मोर आता और इसकी जिंदगी से मोरनी चली गई। अच्छा, गर्लफ्रेंड साथ हो तो आइसक्रीम का बिल, गर्लफ्रेंड दूर हो तो मोबाइल का बिल, गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए दूर हो तो दारू का बिल, इसलिए मत लगाओ दिल नहीं आएगा। बादल हो या बियर के नशा, अचानक से छा ही जाता है। चेहरे पे पिंपल हो या सच्चा वाला प्यार, लोगों की नजरों में आ ही जाता है। दांत में दर्द हो या गर्लफ्रेंड की शादी, आंखों में आंसू आ ही जाता है। दीवानों की तरह जान मत लो यारो, प्यार को लात मारो, मेरी बात मानो, चंद्रमुखी हो या पारो, मेरे साथ चिल तारी मारो, प्यार की जिंदगी गुजारो। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर ले अभी मौका है। आप सब ठीक कह रहे हैं, मुझे प्यार मोहब्बत चक्कर में नहीं पड़ना था। यार सूरज है या चांद है ये? मैं कल ही नया नया बेंगलोर से इस गांव में आया हूँ, मुझे मालूम है यार। 5 साल बाद रविदास पूजा के दिन सुबह के 8 बजे। आज का ताजा खबर क्या है? सोनू आज सम ब्रिन का खिड़की बनाने में कामयाब हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? और तो उसे सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का चेक और एक बलोनो मिलने वाला है। जय होवे रविदास, तुम्हारी कृपा करहु हरि जन हितकारी। राहु भक्त तुम्हारे ताता, कर्मा नाम तुम्हारी माता। जिस आज से तुम मुझे मारे ना, उसी आज से तू मुझे सैल्यूट मारेगा। सर ये आपका 50,000 का चेक है सर, और मैं आपका आज से पर्सनल ड्राइवर हूँ। पहचाना मुझे? मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने छोटा जत कह के मारा था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद कभी भी किसी को नीची नजर से नहीं देखूँ। आप जाइए, मुझे नौकरी पे रख लीजिए सर, मेरे बड़े बड़े निकम्मे बेटे हैं। आप जाइए, कल आइएगा, मुझे जरा मंदिर जाना है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। हे भगवान, मुझे सुंदर और सुशील गर्लफ्रेंड देना। शंकर को जिसने
सोनू के जैसा बनने की कोशिश करो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। तो आप हमारी कहानी से क्या सीखे? आज के बाद मैं भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई। कंग्रेचुलेशंस, मेरी कहानी से एक जान बच गई। एले यार, कह दे लड़की से दिल की बात। उससे ब्रेकअप करके तू बन गई उल्लू। आज के बाद मैं भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तुझको क्या मिला बाबा जी का ठल्लू? सर को तो फोन लगा। अच्छा, तुम्हारा ब्रेकअप करवाए थे वो सर? वही सर। फोन दे। बेटा, कितनी बार बोले सर, गुजर चुके हैं, क्यों बार बार फोन करते हो? ऐसा बात नहीं है मैडम, सुनने में अच्छा लगता है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मलेरिया हो गया था ना, डॉक्टर के पास आ जाएगा? नहीं यार, बुला गया। बुढ़े ना हो। हाँ सर। रोल कैमरा, एक्शन। हसायत कौन गिरा है? गोलू। हसायत कौन गिरा? बैकअप।